जिले में चोरी छिपे सागौन लकड़ी के चल रहे कारोबार का वन अमले ने पर्दाफाश किया है। सेगावा और खरगोन वन अमले ने संयुक्त दल ने देवली क्षेत्र में चार अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर लाखों रुपए कीमत की सागौन लकड़ी जब्त की है। DFO प्रशांत सिंह ने बताया, जिले से सागौन लकड़ी तस्करी की सूचना सेंधवा वन अमले ने साझा की, जिसके आधार पर अलग अलग टीमें गठित कर दबिश दी, जिसमें 5 कटर मशीनें और करीब 5 घन मीटर सागौन की लकड़ी, जिसका अनुमानित मूल्य 5 लाख रुपए है, जब्त की है। हालांकि जब्त लकड़ी का मूल्यांकन जारी है, सही स्थिति आकलन के बाद ही पता चलेगी। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। एक्चुअली ये कल सेंधवा वन मंडल को इस संबंध में जानकारी मिली थी कि देवली गांव में इस अवैध तरह के कारोबार हो रहे हैं, तो उनकी भी टीम यहां कल आई थी और हमारे वन मंडल खरगोन की टीम भी थी, तो संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई थी और इसमें 4 लोकेशन पे इन्होंने छापे मारे हमारी टीमों ने, और 4 लोकेशन पे 5 कटर मशीन मिला और लगभग 5-6 घन मीटर सागौन की लकड़ी जब्त हुई है। अभी इसका नाप वगैरह हम लोग कर रहे हैं, तो एग्जैक्ट मात्रा अभी आज या कल में पता चल जाएगी। देखिए 5-6 घन मीटर है, तो लगभग इसका 5-6 लाख रुपए कीमत होगा अनुमानित। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।